ये तो कानून भी कहता है कि रिपोर्ट दर्ज होगी पहले गिरफ्तारी करो और उसके बाद जांच करो, वो नहीं हो रही तो यही तो देश में अत्याचार हो रहा है, तानाशाही देश में चल रही है। तो बच्चे जेल में थे उनके घरों पर जाएंगे हम, क्योंकि वे जब से बाहर आए तो हम मिले नहीं उनसे, तो एक बार उनके घरों से जाके और उनसे सब लोगों से मिलेंगे। अच्छा, तो ये जो तिकोनिया मामला था उसी से लेके संबंधित रहेगा या कोई और भी मकसद रहेगा? नहीं, यहाँ तो तिकोनिया वाला मामला भी रहेगा, गन्ना भुगतान भी रहेगा, सब लोगों से बातचीत करेंगे। आपके यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, गन्ना भुगतान की भी बड़ी समस्या है, तो ये सारी दिक्कतें हैं, बिजली की हैं, तो आए तो उस संबंध में भी बातचीत यहाँ के लोगों से करेंगे कि सरकार ने बिजली फ्री देने की बात करी थी, फ्री बिजली है नहीं, मीटर लगाने लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। खरीद की भी समस्या रहती है, वो चाहे धान हो गेहूँ हो, गेहूँ का थोड़ा सा के ठीक सा रहा लेकिन धानों की समस्या आती है, ये सारी दिक्कतें हैं। क्या सर आज रुकेंगे भी हम? नहीं, आज नहीं रुकेंगे, आज चले जाएंगे, कल हम अयोध्या जाएंगे फैजाबाद में, वहाँ से आज यहाँ से सब लोगों से मिल के उन परिवारों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे सबसे, और फिर हम निकल जाएंगे, यहाँ के लोग जो कमेटी हैं इनसे मिलेंगे। देखो, उसमें दुखद घटना हुई, उन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई लेकिन जिसके खिलाफ रिपोर्ट हुई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन्हीं के ऊपर और एलिगेशन लगा रहे, 40 दिन हो गए। पास्को जैसी धाराओं में गिरफ्तारी ना होना, ये तो कानून भी कहता है कि रिपोर्ट दर्ज होगी पहले गिरफ्तारी करो और उसके बाद जांच करो, वो नहीं हो रही तो यही तो देश में अत्याचार हो रहा है, तानाशाही देश में चल रही है। जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई उनके परिवारों पे प्रेशर पुलिस बढ़ा रही है, ये रिपोर्ट वापस लो, बयान दो।